आई थिंक इसमें एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वो ये शो करना चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम है वो इस कैपेबल नहीं है। इंडिया का ये डिसीजन मेरा तो ख्याल है ये ठीक है, ये डिसीजन जो है बिल्कुल ये गलत है। तो देखें तो आपको क्या लगता है कि ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए क्या पाकिस्तानियों को भी पाकिस्तान में बैन करना चाहिए इंडियन एजुकेशन? नहीं, आई डोंट थिंक सो। मेरे ख्याल से तो जब हमारा वो पायलट वाला भी इशू हुआ था और हमने बहुत अच्छे से उनको चाय वगैरह भी पिलाई थी कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल एक गलत स्टेप है पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से। अगर मतलब कि पाकिस्तान में भी काफ़ी लोग इस तरह बात करते हैं कि हमें इंडिया से ताल्लुकात ख़त्म कर देने चाहिए, ट्रेड नहीं होनी चाहिए, मैं कहता हूँ ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं, होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। Assalamualaikum, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स, आई मैं हुस्नाज पब्लिक रिएक्शन शो और आज हम बात करेंगे इंडिया के एक न्यू डिसीजन पे जो कि उन्होंने लिया है टुवर्ड्स पाकिस्तान एजुकेशन, कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी पाकिस्तानी सिटीजन या इंडियन सिटीजन पाकिस्तान से एजुकेशन लेकर जाएगा तो उसकी एजुकेशन को इंडिया में नहीं माना जाएगा, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा टू फर्दर स्टडी फॉर हायर एजुकेशन, या उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अलाउ नहीं की जाएंगी इंडिया में, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं दी जाएंगी। ये डिसीजन लिया है UGC और AICTE ने, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने। इस हवाले से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि उनका ये डिसीजन सही है या नहीं, क्या पाकिस्तान को भी इन रिटर्न ऐसा कोई डिसीजन लेना चाहिए या नहीं, ये बड़ी पॉजिटिविटी दिखानी चाहिए, ये हम जानेंगे पाकिस्तानी आवाम से। आपको क्या लगता है नीचे बताएं कमेंट सेक्शन में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? नूरिया। नूरिया, नूरिया इंडिया से UGC और AICTE ने पाकिस्तानी एजुकेशन को इनवैलिड करार दे दिया अपने मुल्क में और कहा है कि कोई भी चाहे वो पाकिस्तानी सिटीज़न है या इंडियन सिटीज़न है पाकिस्तानी डिग्री लेकर आएगा तो वो वहाँ पे वैलिड नहीं होगी और ना ही उसको हायर एजुकेशन की परमिशन दी जाएगी और ना ही फर्दर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी। इंडिया के इस डिसीजन को किस तरह देख रहे हो आप, क्यों किया उन्होंने ये डिसीजन? जो है बिल्कुल ये गलत है, मतलब कि अगर इसको मैं दो पहलू से देख सकता हूँ कि एक तो हमारी पॉलिटिक्स का इसमें मेन फैक्टर आ सकता है कि शुरू से पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस कैसे रहे हैं, पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन, मतलब कि पाकिस्तान ने खुद भी इंडिया के साथ रिलेशन जो अपने सही नहीं रखे शुरू से, एक तो ये फैक्टर है शायद वो इस वजह से उन्होंने ये चीज़ की। और दूसरा ये कि पाकिस्तान के जो एजुकेशनल सिस्टम है वो शायद इसको इतना कैपेबल ना समझते हों कि वो कहते हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर आके ये फिट हो सकें। सो आई थिंक ये दो फैक्टर्स हो सकते हैं। आई थिंक इसमें एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वो ये शो करना चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी एजुकेशनल सिस्टम है वो इस कैपेबल नहीं है कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को और इंडिया की मार्केट को मैच कर सके। एक तो ये इसमें पर्सपेक्टिव हो सकते हैं दैट इंडिया इज़ ट्राइंग टू डाउनग्रेड पाकिस्तान एजुकेशनल इमेज, और सेकंड इसमें एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो उधर नेचुरली फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी जो ग्रो कर रही है तो ये उसके भी एक आउटरीच रिएक्शन हो सकता है, तो दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी। मेरे ख्याल से कि ज़्यादातर बेसिकली फर्स्ट तो रिलीजन के ऊपर ही आता है क्योंकि वो हमेशा से शुरू से ये वॉर चलती आ रही है इंडिया और पाकिस्तान के खिलाफ, तो वो उनको आगे ही नहीं आने देते, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देने देते। और हालांकि हमारे अगर हम इस्लामिक यहाँ देखा जाए तो हम लोग हर किसी को बहुत वेलकम करते हैं इधर सबको, तो उधर मेरे ख्याल सबसे पहले जो है वो इस्लामिक रिलीजन की तो उस पर ही आता है और दूसरा पॉलिटिकल उसमें आके के ग्रजेस के ऊपर, पॉलिटिकल ग्रजेस के ऊपर कि हमसे आगे ना निकल जाएं वो या उनको ये है ना अपॉर्चुनिटीज़ मिले, तो इस वजह से। इंडिया का ये डिसीजन मेरा तो ख्याल है ये ठीक है क्योंकि ऐसे कि उनकी जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी पाकिस्तान से ऊपर है और पाकिस्तान में तो अभी हम 9th-10th में कंप्यूटर वर्ड इस कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, इसके अलावा पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम बहुत यानी कि ना नीचे है, इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ऊपर है, तो मैं इसको डिसीजन को सही कहूँगा। बिलीव इट्स ना वेरी नेगेटिव डिसीजन और ये काफ़ी ज़्यादा ना और ज़्यादा नफ़रत पैदा करेगा लोगों के दिलों में, सो मुझे लगता है कि ये डिसीजन सही नहीं है बिकॉज आई नो कि इंडिया के अंदर अभी काफ़ी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी उन्हें रूल कर रही है, लेकिन बीइंग अ सब कॉन्टिनेंट नेशन वी शुड यूनाइट टुगेदर इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस इन ओवर रीजन, सो ये काफ़ी एक ना नेगेटिव डिसीजन है इंडिया का और मैं चाहूँगा कि वो इस पर फिर से गौर करें और इसे बेहतर बनाने की कोशिश करें बिकॉज या आई नो कि हमारी कंट्री के अंदर हमारी एजुकेशन अप टू द पार नहीं है, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहे हैं, हमने ऐसे स्टेप्स भी लिए हैं, हमारी गवर्नमेंट ने जैसे अभी 1 curriculum लेके आए थे इमरान खान साहब, सो वैसे ही हम और भी ऐसे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, लेकिन अब भी हमें इसके अंदर और ज़्यादा बेहतरी लानी पड़ेगी एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम हम वहाँ तक रीच कर जाएंगे और हमें इसके लिए ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए कि हम फ्यूचर के अंदर ये सब कुछ कर सकते हैं कि जैसे इंडिया ने किया। और मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं, इंडिया से क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा, इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है मैं मानता हूँ पाकिस्तान से बेहतर है, दे हैव प्रोड्यूस्ड वेरी ब्रिलियंट माइंड्स राइट नाउ, लेकिन हमें इसे बेहतर बनाना पड़ेगा ताकि हम भी उस ना लेवल तक पहुंच सकें कि आज जहां तक इंडिया पहुंचा है। आपको
क्या लगता है ये जंग ऐसे ही चलती रहनी चाहिए या कोई इसका फुल स्टॉप भी होना चाहिए? नहीं नहीं, इसका ऑब्वियसली इसका फुल स्टॉप होना चाहिए। इसी तरह से मतलब अगर चलती रही तो आगे और ज़्यादा ये मज़ीद ख़राब होते रहेंगे हालात। और हमारे मतलब यहाँ जो हम लोग आते हैं, मेरे ख्याल से तो हम लोग के अगर यहाँ देखा जाए तो इतना ज़्यादा इस तरह का इशू नहीं होता, लेकिन वहाँ पर्सनली मतलब हर जगह पे ही अगर आप मतलब देख लो कि रह रहे हैं जहाँ आपस में कॉलोनीज़ वगैरह भी हैं, स्कूल्स हैं या उनमें हैं, अगर कहीं उनको पता चल जाता है कि ये मुस्लिम है या कुछ है तो वो वहीं उनके हर चीज़ में उनको स्टडी ही ऐसा कराया जाता है कि वो मतलब उनके बच्चों के मतलब उसमें दिमाग में उन्होंने डाला हुआ है कि ये जो है ना पर्सनली ग्रजुएट्स, तो वो शुरू से ही इस चीज़ के लेकर। अच्छा, क्या आपको लगता है कि इसमें पाकिस्तानी एजुकेशन का कोई फॉल है कि हमारे अंदर कोई ऐसी कमी है जिसकी वजह से उन्होंने डिसीजन लिया? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे मेरे नहीं ख्याल से कि हमारे यहाँ बहुत लायक और बहुत ज़्यादा इस तरह के बच्चे हैं कि कोई कमी तो बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्सनली मतलब रिलीजन के उस पर है और पॉलिटिकली ही ज़्यादा मसला है। क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी कोई फ्लॉ नहीं? नहीं, मेरे नहीं ख्याल से, मेरे ख्याल से तो इक्वली है कि वहाँ का और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम में इतना कोई डिफरेंस नहीं है। देखें तो किसी और कंट्री ने ये डिसीजन नहीं लिया, क्या वजह है कि सिर्फ इंडिया ने ये डिसीजन लिया है पाकिस्तान की तरफ, व्हाई नॉट टुवर्ड्स एनी अदर कंट्री? ये पाकिस्तान और इंडिया के जो, मैं यही समझता हूँ कि इनकी जो पॉलिटिक्स चल रही है दोनों ममालिक की, और मतलब कि ये नहीं है कि इनकी आवाम के अंदर मतलब के इख्तलाफात हैं, इनके पॉलिटिशियंस अपने मफाद के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल एक गलत स्टेप है पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से। अगर मतलब कि पाकिस्तान में भी काफ़ी लोग इस तरह बात करते हैं कि हमें इंडिया से ताल्लुकात ख़त्म कर देने चाहिए, ट्रेड नहीं होनी चाहिए, मैं कहता हूँ ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं, होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? मतलब कि हम अगर हमारी उनके साथ ट्रेड हो तो हमें दूसरे मुल्कों के पास जाना ही ना पड़े, हमें मतलब कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इसका फ़ायदा हो, तो हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो सिर्फ, मैं कहता हूँ कि अपने मफाद के लिए ये चीज़ें नहीं करते, तो इनको इस चीज़ पर स्टेप लेना चाहिए। तो इंडिया भी अगर ऐसी पॉलिसीज अपना रहा है तो वो बहुत गलत कर रहा है, हालांकि वो तो डिमांड करते हैं, कहते हैं कि हम तो सेकुलर हैं, अगर वो सेकुलर हैं तो फिर वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? मतलब ऐसी पाकिस्तानी एजुकेशन को देखें तो आपको क्या लगता है कि क्या सच में इतनी डाउन है कि इसको हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, इसमें हमें चाहिए कि जो हमारा देखें ना जो और ए लेवल्स है वो तो वैसे ही बहुत अच्छा है, लाइक दैट इज़ फ्रॉम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, लेकिन जो हमारा पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड हो गया या सिंध टेक्स्ट बोर्ड हो गया दैट इज़ क्वाइट बिहाइंड। तो यह है कि हमें इसको चाहिए कि जैसे ओ ए लेवल्स है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, तो हमें अपने जो रीजनल जो बोर्ड्स है ना, हमें चाहिए इनकी क्वालिटी को बढ़ाएं। हम फर्दर उनके इस डिसीजन को देखें तो आपको क्या लगता है कि ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए क्या पाकिस्तानियों को भी पाकिस्तान में बैन करना चाहिए इंडियन एजुकेशन को? नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो। मेरे ख्याल से तो जब हमारा वो पायलट वाला भी इशू हुआ था और हमने बहुत अच्छे से उनको चाय वगैरह भी पिलाई थी, तो उससे बहुत एक अच्छा सबक मिला था, उन लोगों को भी पता चला था कि किस तरह से हमारे यहाँ किस तरह से वेलकम किया जाता है और कितना मतलब ओपन हार्टेड यहाँ के लोग हैं। तो मेरे ख्याल से तो अगर हम इस तरह से देंगे फिर वो वॉर बहुत बढ़ती जाएगी। किसी एक तरफ से तो जो है सॉफ्ट हार्ट ज़रूरी है होना, और शायद हम लोगों की तरफ से अगर हुआ है तो उनकी तरफ से भी ज़रूरी है कि। अच्छा, और अगर हम कहें कि फर्दर हमें उनकी इस चीज़ को देखते हुए क्या पाकिस्तानी एजुकेशन पे आने वाले टाइम में और फोकस करने की और बेहतर मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है, ताकि आने वाला कोई और मुल्क ऐसा डिसीजन लेने का सोचे भी ना और इंडिया भी मजबूर हो जाए हमारे टैलेंट को देखते हुए कि यार हमें ये गलत किया है, आपको लगता है हमें इतना फोकस करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो होना चाहिए। इस तरह के प्लेटफॉर्म्स, इस तरह के सोसाइटीज़ इस तरह होना चाहिए जो आगे गाइड करें उन लोगों को, और वहाँ भी उनको गाइडेंस मतलब देनी चाहिए अपने लोगों में भी, मतलब जिस तरह से हमारे यहाँ तो वहाँ अपने लोगों में भी उनका होना चाहिए कि ये कोई डिफरेंस नहीं है या चीज़ें नहीं हैं। और मेरे ख्याल से तो जो अभी भी मतलब जो वहाँ के लोग हैं जो आपस में रहते हैं प्यार मोहब्बत से ही रहते हैं और कोई इस तरह के डिफरेंस नहीं आते रिलीजन या कोई पॉलिटिक्स का हटा के अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से में कोई डिफरेंस नहीं है दोनों, उसमें तो एक ही हैं हम दोनों बिल्कुल। ओके व्यूअर्स, एज यू गाइस हैव सीन कि हमने लिए पाकिस्तानी आवाम के जवाब और देखिए उनके रिएक्शंस के पाकिस्तानी स्टूडेंट्स क्या राय रखते हैं इंडिया के इस डिसीजन के बारे में कि उन्होंने पाकिस्तानी एजुकेशन को तर्क कर दिया अपने मुल्क में, उसको मानने से इनकार कर दिया है, उनकी डिग्रीज़ को इनवैलिड करार दे दिया है अपने मुल्क के अंदर। इस चीज़ को लेके पाकिस्तानी स्टूडेंट्स क्या राय रखते हैं ये आप लोगों ने देखा इस वीडियो में। फर्दर वीडियोस के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा। आज की वीडियो से मुझे इजाज़त, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।